आज हम सूखी अरबी बनाएंगे। ये अरबी है, हमने इसको उबाल लिया है एक सीटी दे के और अब हम इनको सबको छील लेंगे। ये अरबी सभी हमने छील ली हैं, आधा किलो अरबी हैं ये। अब हमने सब अरबी इस तरह काट ली हैं, अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। अब हम तवे पर ऑयल डालेंगे, अरबी को शैलो फ्राई करेंगे। अब ऑयल गर्म हो रहा है, धीरे धीरे अरबियाँ हम इसके ऊपर डालेंगे। एक एक डालने से क्या है, अच्छी सब तरफ से सब सीखेंगी, नहीं तो क्या है आगे पीछे कोई सीखेगी कोई नहीं सीखेगी। अब अरबी को हम एक एक करके पलटते जाएंगे। देखिए सब ब्राउन हो रही है। और ये पीछे से सिकेंगी तो एक बार और हम पलटेंगे इनको, जिससे अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसको सॉटे करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक एक अरबी को जरा देखना पड़ता है कि अच्छी से हो गई क्या नहीं। अभी ये सब हो गई हैं और हम इनको एक प्लेट में निकाल लें। अरबी को भूनने के लिए हम वापस कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल गरम हो रहा है। ये अजवाइन डाल के अरबी बनाएंगे, अजवानी अरबी, इसलिए हम इसमें सबसे पहले अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और ये अरबी इसमें बहुत अच्छी लगती है। हींग डालेंगे थोड़ा और इसको हम चलाएंगे। अजवाइन सिकने लगी है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे अच्छी तरह, अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब अदरक के बाद हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च डाल के तुरंत हम ये अरबी इसमें डाल देंगे और हम इसको अब थोड़ा चलाएं। देखिए मिर्ची भी सिक गई है। मिर्ची नीचे इसलिए डाल दी थी जिससे धसक नहीं आए और ऊपर से अरबी डाल दी। इसमें मसाले वो ही डालेंगे जो हमारी मसालेदानी में होती है। देखने में ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार, फिर धनिया पाउडर डालेंगे। अरबी कई तरीके से बनती है, रसे की भी बनती है, सूखी भी बनती है, दही वाली भी बनती है, तो अपना अपना टेस्ट है पर ये बहुत टेस्टी लगती है। अब मिर्ची डाल देंगे इसमें, थोड़ी अच्छी चटपटी बनाएंगे और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए इसका रंग और ये सब इतनी सुंदर आ जाएगी। ये अरबी अब भुन गई है, अब हम इसमें अमचूर डालेंगे। अमचूर का भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये अरबी वैसे बहुत जल्दी बन जाती है। अब ये बन भी गई है, आप इसको ज़रा दो चार मिनट हिलाएंगे तो ये बस अरबी हमारी खाने के लिए तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा।
अब ये हमारी क्रिस्पी फ्राइड अरबी एकदम खाने के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। Thank you.